तो भाई लोग फाइनली इतने इंतजार के बाद आ गई है यार ईद पर न्यू एडिटिंग वीडियो VFX ट्यूटोरियल, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो। तो यार अगर आप भी इस वीडियो को बनाना चाहते हो तो बस वीडियो को लास्ट तक देखो और पूरा देखो और रील्स पर डालो, स्टेटस लगाओ और वीडियो बने एकदम झक्कास। बहुत ही आसान स्टेप है, बस देखते जाओ। सबसे पहले आपको काइनमैक्स एप्लीकेशन पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है और क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम 9.16 मतलब फ्रेम सिलेक्ट करके काइन मास्टर का मीडिया ब्राउजर ओपन करके एक वीडियो ऐड कर लेते हैं, जो कि ये वीडियो कुछ ऐसा आपको रिकॉर्ड कर रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। आप कोई अलग यूनिक स्टाइल भी मार सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप मेरा कॉपी करो, आप जो चाहो वो यहाँ पे स्टाइल मार के वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना एकदम बढ़िया से। और रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी कलर का कपड़ा पहन सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी कलर का पहनो। पहले जो मैं वीडियो बनाता था उसमें आपको ब्लैक पहनने बोलता था, लेकिन अब इतना ये प्रोजेक्ट ऐड करने के बाद हम काइन मास्टर को मिनिमाइज करते हैं। अब आप अपने वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो ना तो फुल स्क्रीन में कर लो और अच्छा दिखेगा। तो अभी ये देख रहे हो आपको क्या करना है, सबसे पहले कैपकट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में एक ही लिंक दूंगा, उसमें सब कुछ रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो यहां पे सबसे पहले आपको एक VPN कनेक्ट कर लेना है इस एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले। VPN आप कोई भी कनेक्ट कर सकते हो, वैसे मैं क्विक VPN कनेक्ट कर रहा हूं, आप कोई भी VPN कनेक्ट कर सकते हो जो आपके मोबाइल में वो। उसके बाद VPN जब कनेक्ट हो जाएगा तब आपको ओपन करना है कैपकट एप्लीकेशन। कैपकट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। सबसे पहले आपको एक फ़ोटो ऐड कर लेना है ग्रीन कलर का, आप देख सकते हो इन्होंने पहले फ़ोटो ऐड कर लिया। आपको अगर आपके पास ये फ़ोटो नहीं है ग्रीन कलर का तो कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना, मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा। अब ये जो फ़ोटो ये ऐड करने के बाद आपको ओवरले पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक ओवरले ऐड कर लेना है वीडियो, जैसे कि आप लोग देखा। ओवरले वीडियो ऐड करने के बाद सिंपली ये जो ग्रीन कलर का फ़ोटो है इसको आपको वीडियो के बराबर कर देना है, जो ओवरले वाला वीडियो उसके बराबर कर देना है। और उसके बराबर करने के बाद आप देख सकते हो, मतलब आपको ध्यान से देखना है यार, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। अब आपको सबसे पहले फुल स्क्रीन कर लेना है ओवरले वाले वीडियो को। फुल स्क्रीन करने के बाद जो आपका ओवरले वाला वीडियो है जब वो फुल स्क्रीन पे हो जाएगा तब सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। और कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इस ओवरले वाले वीडियो को आपको फुल स्क्रीन पर कर लेना है। ये फुल स्क्रीन पे हमारा हो गया ओवरले वाला वीडियो। अब आपको क्या करना है, ओवरले वाले वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। बस आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, आपका वीडियो हो जाएगा ग्रीन स्क्रीन पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और जब ये वीडियो ग्रीन स्क्रीन पे हो जाएगा, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले कैपकट का जो लास्ट में लोगो रहेगा उसको डिलीट कर देना और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपली ये हमारे मोबाइल में सेव हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ से स्टार्ट होने के बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे एक ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो ऐड करके फुल स्क्रीन पर कर लेना है, मतलब फुल स्क्रीन पर जूम कर लेना है। उसके बाद आपको चलना है क्रोमा की वाले ऑप्शन पर, यही ग्रीन स्क्रीन वाले के क्रोमा की वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है, मतलब वही वीडियो के ऊपर जो आपने पहले प्रोजेक्ट में ऐड किया था, जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव किया, वही वीडियो के ऊपर आपको ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर लेना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो रिमूव हो चुका है। अब जहाँ से मैं अपने हाथ को ऐसे इशारा कर रहा हूँ बैकग्राउंड चेंज होने का, सेम वही वाले पोजीशन पे आना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक बैकग्राउंड वीडियो ऐड कर लेना है, जिसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करके ऐड कर लेना है और इसको फुल स्क्रीन में करके साइड पे लगा देना है, ऐसा साइड पे, मतलब एक साइड आपको यहाँ लगा देना है। और साइड में लगाने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, चाबी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हल्का सा थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाएंगे, एकदम थोड़ा सा आगे जाएंगे। थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक प्लस का मार्क देंगे, मतलब एनिमेशन वाला जो हमने चाबी का निशान लगाया उसका प्लस का मार्क देंगे। और प्लस का मार्क देने के बाद ये जो हमने वीडियो यहाँ पे साइड पे रखा है इसको ला के फुल स्क्रीन पर कर देंगे, तो क्या होगा, ये एनिमेशन बन जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो एनिमेशन तो बन चुका है, लेकिन अब आपको सिंपली करना क्या है, ये जो आपका ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करो और यहाँ पे इसको कर दो
ब्रिंग टू फ्रंट, ये वाला ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो हमारा ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे आप स्टार्टिंग पे चलते हैं, स्टार्टिंग पे चलने के बाद यहाँ से हमारा बैकग्राउंड हो रहा है चेंज, जैसा कि आप लोग देख सकते हो वीडियो। बस यार बहुत ही सिंपल वीडियो, वीडियो हमारा बन चुका है, कुछ भी नहीं करना है वीडियो में, बन चुका है वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको एक म्यूजिक लगा देना है। सबसे पहले म्यूजिक, यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा हो रहा है ग्रीन स्क्रीन वाले से। तो म्यूजिक का भी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सॉरी भाई लोग, म्यूजिक मैं आपको सुना नहीं सकता कॉपीराइट के कारण, तो म्यूजिक डाउनलोड कर लेना और लगा लेना। अच्छा म्यूजिक, मस्त भाई, आप खुश हो जाओगे म्यूजिक सुन के, म्यूजिक भी बहुत बढ़िया है, बस मैं आपको सुना नहीं सकता। वीडियो को सपोर्ट कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब मार के रखो यार, तुम्हारे भाई का ही तो चैनल है। तो चलो भाई अभी अपन निकलते हैं, अगली बार सब्सक्राइब मार के रखना।